नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जीडीपी फैक्ट जो बुक है उसके बारे में, और जिला दर्शन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह वाली किताब है गौरव सर की, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इनमें से कौन सी बुक बेस्ट है, क्या हमें दोनों बुक लेनी चाहिए या एक से ही दोनों काम हो जाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जीजीडी फैक्ट की जो बुक है इसके अंदर 100 से 250 फैक्ट लिखे गए हैं, और इसमें इसके साथ ही साथ इसमें राजस्थान का जो नवीनतम जिला दर्शन है वो सार लिखा गया है, इनकी फैक्ट लिखे गए हैं नवीनतम जिलों के बारे में। देखो, इस जो जीजीडी फैक्ट की किताब जो बुक है जीजीडी फैक्ट वाली, इसमें पूरे के पूरे पृष्ठ रंगीन है और चित्रों के साथ ग्राफिक्स से बिल्कुल, और जो इसमें लिखे गए तथ्य है वो जैसे कि एक साथ सारे फैक्ट लिखे गए हैं, जैसे गुलाबी, गुलाबी क्या होता है, तो गुलाबी महल, गुलाबी झील, गुलाबी फूल, जो भी गुलाबी रंग के बारे में जो भी होता है एक साथ लिखा गया है। फिर है कि इसमें पहली बार ऐसा संकलन है बिल्कुल, और राजस्थान के जीके में इसमें सामी की परीक्षाओं के फैक्ट भी लिखे गए हैं, और देखो गौरव सर ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत की, आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में। और जो ये जिला संग्रह वाली बुक है इसमें 50 जिलों के फैक्ट लिखे गए हैं, और 10 संभागों को साथ में लेकर के 50 जिलों का जो फैक्ट है वो लिखा गया है। प्रत्येक जिले का शानदार व्याख्या के साथ प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही साथ ट्रिक्स भी है, और टेस्ट सीरीज के अनुसार ये प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, बात करते हैं दोनों के बारे में। तो जीजीडी फैक्ट वाले में तो 250 फैक्ट लिखे गए हैं, लेकिन जो इसका जिला दर्शन है उस जिला दर्शन के अंदर सबसे पहले जयपुर संभाग लिखा गया है, जयपुर संभाग के बाद जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और कोटा संभाग, इनके बारे में देखो जिले वाइज लिखा, जैसे अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, कोटपुतली, बैरोड, खैरथल, तेजारा, इनके बारे में इस टाइप से लिखा गया है। बहुत ही अच्छा संकलन किया गया है, दोनों किताब के पृष्ठ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो जीडीडी फैक्ट की बुक है इसके पृष्ठ है वो प्लास्टिक टाइप के हैं, ये बहुत ही शानदार किताब है, इसमें फैक्ट बहुत शानदार लिखे गए हैं। इसकी इंडेक्स नहीं है क्योंकि इसमें फैक्ट के अनुसार काम किया गया है, यहाँ इंडेक्स के अनुसार काम किया गया है। अब देखिए, बात करते हैं इसके अंदर, जैसे देखो फैक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ देखो लिखा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तो देखो 2023 में मीरा पुरस्कार किसे मिला था, रांगे राघव पुरस्कार किसको मिला था, सुधीर पुरस्कार किसको मिला, देवीलाल सामर पुरस्कार किसको मिला, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, कन्यालाल सहल पुरस्कार, आदि ऐसे पुरस्कार है जो इनके बारे में लिखा गया कि कृति कौन सी थी, साहित्यकार कौन थे और कितनी राशि दी जाती है। एक साथ सारे फैक्ट लिए गए हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। जैसे देखो कि यहाँ लिखा है राजस्थान में 2023 में कौन क्या, इनकी नवीनतम नियुक्ति कौन सी, जैसे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है, प्रतिपक्ष उपनेता कौन है, जनलेखा समिति के उपसभापति कौन है, इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक कौन है, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, कई इस प्रकार के, जैसे यहाँ अध्यक्ष रावत बाटा प्रमाण उद्या के कौन है, उनके सारे नाम एक साथ एक फैक्ट में लिखे गए हैं। ऐसे कई प्रकार के फैक्ट है जो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं और सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बुक है बहुत ही अच्छी, इनकी बेस्ट बुक है। इसके बारे में और भी फैक्ट आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर इंडेक्स की बात करते हैं तो भरतपुर संभाग है, बांसवाड़ा संभाग है, सीकर संभाग है और पाली संभाग है, सभी पटरी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ये किताब। दोनों ही किताबों की क्वालिटी देखी जाए तो A1 क्वालिटी है। जैसे देखिए, बात करते हैं इसमें देखो रामसाई संप्रदाय के बारे में फैक्ट लिखे गए हैं, संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सारी बातें लिखी गई है, शाखा कौन सी है, कौन सी शाखा के संस्थापक कौन थे, गुरु का नाम क्या था, क्या क्या विशेषताएं, सारी बातें लिखी गई है। जैसे यहाँ लिखा है कि एकादशी स्पेशल, तो एकादशी में क्या क्या होता है, एकादशी निर्जला एकादशी कौन सी है, तुलसी एकादशी कौन सी है, फिर देखो योगिनी एकादशी कौन सी है, देव उठनी कौन सी है, देवसैनी कौन सी है, जल घोलनी कौन सी है, सारी एकादशी के बारे में फैक्ट लिखे गए हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ लिखा है, देखो जिलों के आधार पर देखो कितना शानदार लिखा है, सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन, उसके बाद उसके ऑप्शन लिखे गए और साथ में आंसर भी दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन की जैसे देखो यहाँ व्याख्या भी कर रखी है, बहुत शानदार तरीके से व्याख्या कर रखी है। तो ये किताब भी जो जिला दर्शन किताब है, इस किताब के अंदर व्याख्या सहित इतना शानदार कंटेंट लिखा गया है, ये किताब भी बहुत बेस्ट किताब है। एग्जाम की दृष्टि से किस रिविजन करना चाहें, दोनों किताबें रिविजन की दृष्टि से बहुत शानदार किताबें हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है और एक बार रिविजन करना चाहते हैं तो ये बुक सबसे बेस्ट बुक मानी जाएगी। आगे देखिए, बात करते हैं अपन, तो देखो यहाँ देखो ये इसमें बीकानेर संभाग नवीनतम जिलों के अनुसार संभाग की बात करें तो देखो ये ऊपर तो देखा बांसवाड़ा संभाग का लिखा है, प्रतापगढ़ जिले के बारे में फैक्ट लिखा है, प्रतापगढ़ जिला में कौन कौन सी तहसीलें आई है, नए जिलों में कौन सा स्थान है, ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, जखम बांध है, अभ्यारण है, और क्या क्या प्रतापगढ़ के अंदर आता है, कांठल का ताजमहल कहाँ है, भंवर माता का मंदिर है, देवगढ़ है, भरचूला लेक है, काफी सारी बातें इसके अंदर आती लिखी गई है।
पहले को बीकानेर संभाग के अंदर अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, गंगानगर के बारे में लिखा गया है, सबसे उत्तरी संभाग लिखा गया है। देखो यहाँ फोटो भी बना रखा बीकानेर संभाग का, ये वाला तीन जिले अंतरराष्ट्रीय में बनाते हैं, काफी सारी बातें फैक्ट में लिखी गई है। इसी प्रकार देखो जो जिला दर्शन है अपना, इसमें एक दर्शन लिखे गए हैं जैसे बीकानेर जिले के, गंगानगर जिले के, हनुमानगढ़ जिले के, अनूपगढ़ जिले के। देखो ये रहा बीकानेर संभाग, और यहाँ देखो प्रश्न लिखे गए हैं, उसकी व्याख्या की गई है, फिर प्रश्न, फिर व्याख्या, फिर प्रश्न, फिर व्याख्या की गई है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके अंदर लिखा गया है, तो ये शानदार तरीके से लिखी गई प्रकार की फैक्ट फाइल है बिल्कुल। तो दो विद्यार्थी काफी बार पूछ रहे थे कि इसमें क्या भूगोल है कि नहीं है फैक्ट की वाली किताब में, तो फैक्ट वाली किताब के अंदर भूगोल के भी फैक्ट है, कला संस्कृति के फैक्ट है, और इतिहास के भी फैक्ट है, और साथ साथ में राज व्यवस्था के भी फैक्ट है, सब कुछ इसके अंदर एक साथ लिखा गया है। तो जो भी फैक्ट है इसके अंदर सारे आते हैं, भूगोल, कला, इतिहास, राज व्यवस्था सब लिखा गया है। इसलिए देखो यहाँ जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग के बारे में लिखा गया है। इधर देखो जयपुर प्रजामंडल का फैक्ट दिया गया है कि स्थापना कब की थी, पुनर्स्थापना कब हुई थी, अध्यक्ष कौन था। फिर आता है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, मोतीलाल दिवस कब मनाया जाता है, जेंटलमेंट एग्रीमेंट क्या है, आजाद मोर्चा क्या है, सारी बातें काफी सारे फैक्ट लिखे गए हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो दोनों बुक का अगर रिव्यू देखा जाए तो दोनों ही बुकें वी वी आई इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों किताबों में से वही फैक्ट आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं तो मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों किताबें बहुत शानदार है। तो अपनी जीडीडी फैक्ट वाली बुक है, फैक्ट वाली बुक है, यानी कि ये जीडीडी फैक्ट बुक है, इसकी रेट है अपनी फिक्स रेट है 255 रुपये। तो ये साथियों आपको बुक मिल जाती है 255 रुपये के अंदर। और जो जीडीडी की अपनी आई है ये जिला दर्शन बुक आई है, इसकी रेट है 205 रुपये। ये बुक आपको 205 रुपये मिलती है, फिक्स रेट है बिल्कुल। तो कुल मिला के साथियों बात करें यहाँ पर 460 रुपये के अंदर आपको दोनों बुक लेनी चाहिए, और बिल्कुल A1 कंटेंट देखा गया है, ऐसा कंटेंट जिसमें सारी बातें भूगोल, कला, इतिहास, राजव्यवस्था सब कुछ लिखा गया है। तो मैंने पूरी किताब एक बार क्विक रीडिंग मारी है, और ऐसा कंटेंट कि आप पढ़ते ही आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने, आपने भी एग्जाम दिया है तो आपको पता चलेगा कि पिछले एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थे नहीं आए थे। अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले 5-6 सालों से कंपटीशन का एग्जाम वगैरह दे रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं वहीं के हूबहू क्वेश्चन इन किताबों के अंदर से फैक्ट के रूप में मेरे को देखने को मिले हैं। तो आपसे यही मैं कहूँगा कि अगर आपको लेनी है तो दोनों बुक लें, एक बुक लेने से तो जिला दर्शन लेंगे तो आपको कंटेंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये फैक्ट वाली किताब है, ये क्विक रिविजन एकदम फर्स्ट रिविजन करना है, तो बहुत शानदार किताब है फैक्ट वाली, इससे आपका रिविजन बहुत फास्ट होता है और सारी बातें एक साथ याद होती है। तो ये था दोनों किताबों का रिव्यू, आपको अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जुड़े हैं आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब साथियों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि बुक के साथ साथ और बातें बताता हूँ, देखना अपने इस चैनल पर मैं आपके सामने एक विज्ञान की सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपन पढ़ रहे हैं विज्ञान, विज्ञान के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है पोषण, और पोषण में आपके पोषक तत्व पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने हमारे साथ जुड़े हैं और वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखना, बहुत शानदार तरीके से आपको सारी बातें बताई गई है। यहाँ से जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग के टॉपिक वर्क बढ़ाए जाते हैं, तो आप हमारे साथ निःशुल्क जुड़ करके इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहा है वो अधिक से अधिक गौरव सर के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके जना इस वीडियो को गौरव सर के पास भी पहुँचा दें ताकि उनको भी खुशी महसूस हो कि मेरे विद्यार्थी या मेरे द्वारा किया गया काम कितना सराहनीय है। तो चलिए अभी अपन यही फिर क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।